गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में संस्कृत कक्षा 6 का सुभाषिका प्रथम भाग हम लोग पढ़े। उसका हिंदी अनुवाद हम पिछले वीडियो में किए थे। अभी हम लोग उसका प्रश्न उत्तर करेंगे। यदि आपको उसका लिंक देखना है तो ऊपर आई बटन में वो दिया हुआ है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। अभी हम लोग इसका प्रश्न उत्तर कर लेते हैं तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कहता है अधोलिखितानि पदानि उच्चारयत्, मतलब नीचे लिखे हुए पदों को का उच्चारण कीजिए। जैसे लिखा है नसीरुद्दीन, ईश्वर कृपया, क्षम्यताम, प्रक्षाम, पार्श्वे, भुजंगानाम, एतादृश, अन्यत्र, उत्पाटयामि, श्रूयते, संतुष्ट, नेपथ्ये। ठीक है, ये हम लोग दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है जो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं, व्हाइट बोर्ड पे, मंजुषात अव्यय पदानी चित्वा वाक्यानी पूर्यत। ये बॉक्स में दिया हुआ कुछ पद है, इससे हम लोग को वाक्य को पूरा करना है। तो हम लोग इसको देखते हैं। ये लिखता है वयम डैश अत्र तत्र भ्रमामा। हम लोग वो चैप्टर का ही है, हम लोग पीछे का लाइन देखेंगे तो वहां पर था कि वयम प्रतिदिनम, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रतिदिनम, ये भर देंगे अत्र तत्र भ्रमामा, मतलब हम लोग प्रतिदिन यहाँ वहां घूमते हैं। भूमि केंद्र बिंदु पूछता था ना, वो पूछा था कि भूमि का केंद्र बिंदु कहाँ है, तो कुत्र लिखेंगे, कुत्र अस्ति, भूमि केंद्र बिंदु कुत्र अस्ति। डैश लिखा हुआ है तस्य गृहम चलामा, तो यहाँ लिखेंगे अद्य तस्य गृहम, माने उसके घर, किसके घर जाना था, उन लोग को नसीरुद्दीन के यहाँ जाना था, तो अद्य तस्य गृहम चलामा। विश्वास नास्ति, ठीक है, विश्वास नास्ति। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग भर चुके हैं, ये वाला भर दिए, ये भर दिए, ये भर दिए, तो हम लोग इसको देखेंगे कि हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। चेत, एव और एकदा बचा हुआ है, तो हम लोग विश्वास नास्ति एव गणना कुरु, तो हम लोग यहाँ पे एव होगा नहीं तो चेत भर देते हैं, कि विश्वास नहीं है तो गणना करो। प्रातः काले एव, यहाँ चेत हो गया, यहाँ पर एव प्रातः काल ही कहाँ आ गए, एव कुतः आगच्छत। इसके बाद बचेगा एकदा ते नसीरुद्दीनस्य ग्रामं गच्छन्ति अस्म। तो इस तरीका से हम लोग इसको जो बॉक्स में जो दिया हुआ था इससे हम लोग वाक्य को पूरा कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5-4 देखते हैं। हम लोग यहाँ पे अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो इधर प्रश्न है, हम लोग इस साइड में उत्तर लिख रहे हैं, तो इसका उत्तर यहाँ लिख देते हैं, इसका उत्तर यहाँ लिखेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो हम पहले नंबर हम प का आंसर पूछता है कि त्रय धूर्ता कुत्र निवसन्ति अस्म, तो ये लोग कहाँ रहता था, तो एक गांव में रहता था, लिखते हैं एकस्मिन् ग्रामे त्रय धूर्ता निवसन्ति अस्म। ठीक है, एकस्मिन् ग्रामे त्रय धूर्ता निवसन्ति अस्म। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है ग्रामे के भ्रमन्ति अस्म। ठीक है, ग्रामे के भ्रमन्ति अस्म, तो हम लोग इसको लिखते हैं कौन घूमता था, तो ग्रामे ये लोग घूमता था, धूर्त लोग ना, तो ग्रामे त्रय धूर्ता ग्रामे त्रय धूर्ता
भ्रमंती अश्मा, ठीक है। भूमेः केंद्र बिंदु कुत्र अस्ति, भूमि का केंद्र बिंदु कहाँ है। तो वो जो जवाब दिया था तो हम लोग लिखेंगे नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन के गधा के लिखें नसीरुद्दीन नसीरुद्दीनस्य नसीरुद्दीन गर्दभस्य, नसीरुद्दीन गर्दभस्य अधः मध्ये भूमे केंद्र बिंदु अस्ति। इसके बाद देखेंगे नसरुद्दीन नसरुद्दीना केन सह स्वगृहात निर्गच्छति। नसरुद्दीन किसके साथ अपने घर से निकला था, गधा के साथ निकला था अपने। तो हम लोग इसको लिखेंगे जो लिखा हुआ है लिखा नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन गर्दभस्य गर्दभेन सह स्वगृहात निर्गच्छति, स्वगृहात निर्गच्छति, कति धूर्ता सन्ति। तो कितने धूर्त हैं, तो 3 ठो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, त्रय धूर्ता सन्ति, हो गया। अब कहता है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इससे हम लोग को प्रश्न बनाना है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ते ग्रामम ग्रामम भ्रमंती अस्मा, तो ग्रामे ग्रामे के ग्रामम ग्रामम भ्रमंती अस्मा, ते के जगह पे हम लोग के लगा देंगे हम लोग, के ग्रामम ग्रामम भ्रमंती अस्मा। या हम लोग डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं ग्रामे के, या ग्रामम ग्रामम के, हम लोग वही लिखते हैं ग्रामम ग्रामम के भ्रमंती अस्मा, ग्रामम ग्रामम के भ्रमंती अस्मा। दूसरा कहता है अद्य तस्य गृहं चलामः, अद्य तस्य गृहं चलामः। तो यहां पे ये अंडरलाइन किया हुआ है, ये गलती है, अद्य यहाँ पे गृहम नहीं होना चाहिए था, तस्य। तो हम लोग इसको कर देंगे अद्य तस्य गृहम चलामा, ऐसे हो गया अद्य तस्य गृहम चलामा, मतलब उसके, तो किसके, तो कस्य लिखेंगे हम लोग, वयम त्रयः चतुरा, तो इसको लिखेंगे, ये पूछता है कि हम लोग 3 चतुर हैं, तो हम लोग इसका इसमें ये लिखा हुआ है त्रयः को घेरा है, तो हम लोग इसको लिख देंगे वयम पति चतुरा, वयम कति चतुरा, आकाशे तारका संति, आकाश में, तो हम लोग इसको लिखेंगे आकाश में क्या है,
इसमें अंडरलाइन किया हुआ था तारका, आकाशे देखिए इसका मतलब हो गया ना, ये कहता है आकाश में क्या तारका संती, तो तारका के जगह हम लोग को लिखना होगा कि वहां पर क्या है, तो आकाशे आकाश में क्या है, आकाशे इसको हम लोग तारका के जगह पे कानी कर देते हैं, कानी संती ठीक है। नसरी द्विना गर्दभ गर्दभेन सह निर्गच्छति, तो यहाँ पर पूछता है कि ये गर्दभेन, तो नसरुद्दीन गर्दभेन माने नसरुद्दीन गधा के साथ है, अपने गधा के साथ निकलता है, तो हम लोग इसको लिखेंगे नसीरुद्दीन केन सह केन सह निर्गच्छति, एक बार हम लोग इसको फिर से मिला लीजिएगा। तथा बॉक्स में जो दिया हुआ है ना, समानार्थक का मतलब होता है समान अर्थ वाले पद, उसको चुन करके लिखना है, जैसे संतुष्ट ठीक है, संतुष्ट का क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है समान अर्थ, तो तुष्ट यहाँ हम लोग लिखेंगे, पार्श्व मतलब बगल में ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे निकटे भूमे, इसका हो जाएगा पृथिव्या। इसके बाद हम लोग देखेंगे चतुरा मतलब दक्षा, हो गया। इसके बाद कहता है सातवां में विलोम पद, मतलब विलोम मतलब उल्टा लिखना है हम लोग का, उत्तर उत्तरम, उत्तरम का क्या होगा प्रश्नम, विश्वास अविश्वास, फिर है निर्गच्छति मतलब निकलता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा प्रविशति मतलब प्रवेश करता है, फिर है बुद्धिमान, इसका हो जाएगा मूर्ख, इसका अंतिम है मंजुषात् उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि कुर्यत्, मैंने ये बॉक्स में जो दिया हुआ है इसमें से उचित पदों को चुनकर खाली जगहों को भरें, एक काकः अस्ति मतलब एक कौआ है, सः अति तृषितः वो बहुत प्यासा है, सः इतस्तः भ्रमति कष्टेन, सः कष्टेन इतस्तः भ्रमति, तदा ग्रीष्मकाल मतलब ग्रीष्मकाल का समय है, कुत्रापि जलम नास्ति कहीं जल नहीं है, काकः जलाए अति दूरम गच्छति, यहाँ भरेंगे हम लोग जलाए अति दूरम गच्छति, तत्र सह एकम घटम पश्यति, घड़ा को वो देखता है, घटम पश्यति घटे स्वअल्पम स्वल्पम जलमस्ति जलम कथम पिबामि इति काकः चिन्तयति, पानी कैसे पिए यह कौआ सोचता है, सह एकम उपायम करोति सह शिला खंडान आनयति मतलब पत्थर का टुकड़ा लाया, घटस्य जलम उपरि आगच्छति और घड़ा का जो पानी था वो ऊपर आ गया आ जाता है, काका जलम पीत्वा सुखम अनुभवति और काक जल को पीकर सुख की अनुभूति करता है। हम लोग यहाँ पर ये जो हमारा जब था 12वां पाठ त्रय धुरता, आज हम लोग उसको पूरा, पिछले वीडियो में हम लोग वो हिंदी अनुवाद देखे उसका, और इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे इसका प्रश्न उत्तर कर लिए। पिछले वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो
तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए ताकि वो भी उससे फ़ायदा उठा सकें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।